दोस्तों हमारे गिववे का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कहीं भी आपसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी वीडियो से लिया होगा, जिसका सही आंसर आपको अपने पेटीएम नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना होगा और विनर को हमारे चैनल की तरफ से 50 रुपये का पेटीएम दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ब्रिज और फ्लाईओवर के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप जानते हैं? तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या डिफरेंस है, जो आपको एज ए गुड नोन नॉलेज जरूर पता होना चाहिए। तो जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें हमारी लेटेस्ट अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। और इसके साथ साथ आप हमसे हमारे माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, सभी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, ब्रिज और फ्लाईओवर का डिफरेंस मेनली डिपेंड करता है इनके फंक्शन, पर्पज, यूजेस और जिस लोकेशन पर ये बनाए गए हैं उन पर। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है ब्रिज, जिसमें नंबर वन है कि ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स बाधा या रुकावट है दो लोकेशन के कनेक्शन में, जैसे रिवर्स वैली एक्सेट्रा के ऊपर बनाया जाता है दो लोकेशन को मिलाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, दूसरा, ये ब्रिज भी क्लासिफाइड किया जाता है इसके मटेरियल, स्पैन और पर्पज के बेस पर। तीसरा, ब्रिजेज हमेशा ट्रैफिक्स को, जैसे ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस, बसेस और कार्स को ऑब्स्ट्रक्शन से आर पार स्मूथली नेविगेट मीन्स मार्ग निर्देश के लिए बनाया जाता है। चौथा, ब्रिज हमेशा लेंदी रहते हैं जो वैली या रिवर की विड्थ पर डिपेंड करते हैं। पांचवा, शुरुआत में लकड़ी के ब्रिज बनाए जाते थे, फिर स्टोन के, फिर कंक्रीट के, और आज हम स्टील ब्रिजेस बने हुए देख सकते हैं। मींस ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है जो इनएसेसिबल होते हैं, मींस जहां पहुंचना कठिन होता है। ओके फ्रेंड्स, और सिक्स्थ पॉइंट ये है कि ब्रिज ज़्यादातर रेलवे ट्रैक, हाईवे और रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है ब्रिज की प्रॉपर डेफिनेशन, पर्पज और यूजेज। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपने पेटीएम नंबर के साथ @ लिखकर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं फ्लाईओवर के बारे में। तो जो फ्लाईओवर होता है वह एक एलिवेटेड मींस ऊपर उठाया हुआ ऊंचा पैसेज मींस मार्ग होता है जो ज्यादातर रोड्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि जो व्हीकल है वो सिटीज में रोड के जो इंटरसेक्शन मींस चौराहे हैं उन्हें बाईपास करने में इनेबल मींस समर्थ हो सके। इसका मेन पर्पस ओनली रोड ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, या सिंपली वे में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि फ्लाईओवर बनाए जाते हैं मैनमेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं या उन्हें सेपरेट करते हैं डिफरेंट एसेसिबल रूट्स के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तीसरा, फ्लाईओवर हमेशा रोड जंक्शन और स्ट्रीट के ऊपर ही बनाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स। जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्ट करता है, फ्लाइंग ओवर द ट्रैफिक जोन, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के कन्वीनियंस और फास्टर मूविंग के लिए बनाए जाते हैं, मींस सिर्फ रोड व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, दूसरा, पेडेस्ट्रियंस मींस पैदल यात्रा वालों के लिए एक सेफ और आसान पैसेज मींस मार्ग बनाने के लिए। फ्लाईओवर ज्यादातर सिटीज में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक डेंसिटी को कम किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी फ्लाईओवर्स को आप ब्रिजेस कह सकते हैं, पर सभी ब्रिजेस फ्लाईओवर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही मेन डिफरेंस है फ्लाईओवर और ब्रिजेस में, जो एज ए गुड नोन नॉलेज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।